माला सिन्हा की गिनती बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में होती है जिन्होंने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया। 50 के दशक से लेकर 70 के दशक तक माला सिन्हा एक लीड हीरोइन की तरह काम करती रही। माला सिन्हा को शुरू में उनके साथ ही महान अदाकारा नरगिस से कंपेयर किया करते थे। अपनी खूबसूरती और मोहक मुस्कान से हर किसी को अपना बनाने ले वाली माला सिन्हा जी की जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहे। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो आज हम इस वीडियो में उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ आश्चर्यजनक और रोचक तथ्य जानेंगे, जैसे कि आज माला सिन्हा जी आखिर क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रही। हीरोइन बनने से पहले माला सिन्हा आखिर किस पैसे से ताल्लुक रखती थी। माला सिन्हा ने शूटिंग के दौरान किस साथी कलाकार को जोरदार तमाचा जड़ दिया, किस सुपरस्टार कलाकार ने उन्हें देखकर पटाका कह दिया था, और आखिर क्या ऐसी मजबूरियां थीं जो माला सिन्हा को अपने ही पति से 3 बार शादी रचानी पड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड। वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि माला सिन्हा पर आखिर ऐसी क्या मजबूरियां थीं कि उन्होंने सरेआम लिख कर दिया कि हाँ, मैं वैश्यावृत्ति करती हूँ। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में जन्मी माला सिन्हा के पिता नेपाली और माँ बंगाली थी। इनके बचपन का नाम एल्डा था, पर जब ये स्कूल गई तो बच्चे इन्हें एल्डा की जगह डालडा कहकर चलाते थे। कोई इन्हें नकली घी कहता तो कोई वनस्पति घी, जिसकी वजह से इनकी माँ ने इनका नाम बदल कर माला रख दिया। माला सिन्हा की बचपन से संगीत में बड़ी रुचि थी और आवाज भी बेहद सुरीली थी। बचपन से संगीत का रियाज करने वाली माला बड़े होकर एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। और माला सिन्हा जी अपने इस प्रयास में सफल भी हुई। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के केंद्र से गायिका के रूप में अपना कैरियर शुरू भी किया। तब माला सिन्हा जी जब गाना गाया करती थी तो उनके गायकी के संगीत साथी हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते थे कि तुम बेहद सुंदर हो। कुछ लोग तो उनके लंबे खूबसूरत चेहरे के कारण उनकी तुलना उस जमाने की महान अदाकारा नरगिस दत्त से किया करते थे, जहां ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना बना रहता था। और इसी कारण माला सिन्हा को अपनी पहली फिल्म मिली। पहली फिल्म बंगाली थी और उसका नाम था जय वैष्णो देवी। इस फिल्म में माला सिन्हा ने बतौर बाल कलाकार काम किया। इसी तरह एक के बाद एक कई बंगला फिल्में आती रहीं। इस बंगला फिल्म से माला सिन्हा को खूब ख्याति और प्रसिद्धि मिली। तभी माला सिन्हा के पिता, जिन्होंने माला को हमेशा सपोर्ट किया, उन्होंने माला को सलाह दी कि तुम मुंबई जाओ, वहाँ की फिल्मों में ट्राई करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। पिता की सलाह को मानते हुए माला मुंबई तो आ गई, पर सफलता कहाँ इतनी जल्दी मिलती है। खता बख्श दो, गर खता हो गई। माला ने बड़े बड़े निर्देशक और निर्माताओं के ऑफिस के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद से एक निर्माता ने माला से मिलने के लिए हाँ कर दी, पर माला को उनसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। और जब मुलाकात का समय आया तो बड़े अजीब ढंग से निर्माता ने कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? माला सिन्हा ने उतने ही आत्मविश्वास से कहा, मैं फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती हूँ। माला सिन्हा को उस निर्माता ने फिल्मों में तो काम नहीं दिया, हाँ मुफ्त की सलाह जरूर दे दी और हंसते हुए कहा कि इतनी चपटी नाक लेकर फिल्मों में अभिनेत्री बनना चाहती हो, पहले जाओ और एक बार एक शीशा खरीद कर अपने आप को देखो, तब जाकर तुम्हें अपने आप का सही आकलन करना आएगा। इतना सब सुनने के बाद भी माला सिन्हा मुंबई से वापस कलकत्ता नहीं लौटी। वो कहते हैं ना, मुंबई में संघर्ष किया नहीं जाता, संघर्ष कराया जाता है। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पिता के बराबर हैं। माला मुंबई में रुककर संघर्ष करती रही। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। माला सिन्हा मुंबई में ही रुककर पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग करती रही। तभी एक पत्रिका के जरिए ही मशहूर निर्देशक आमिया चक्रवर्ती की नजर माला सिन्हा पर पड़ी और माला सिन्हा को अपना पहला ब्रेक आमिया चक्रवर्ती की फिल्म बादशाह से
मिल गया। इसी तरीके से दूसरी फिल्म मिली, फिल्म का नाम था हेमलेट। पर दुर्भाग्य ये था कि फिल्में जो बड़ी मुश्किल से 2-3-4 मिली थी वो सभी के सभी फ्लॉप हो रही थी। टाइम आ गया था कि वो मुंबई छोड़ दे। माला सिन्हा शायद कोलकाता जाने की सोच ही रही थी, तभी किस्मत ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पर थे डायरेक्टर लेखराज भारती। वे अपनी नई फिल्म का प्रपोजल लेके आए थे। फिल्म का नाम था नया जमाना। ये फिल्म जब रिलीज हुई तो बेहद हिट साबित हुई। फिल्म को देखकर अदाकारा गीता बाली बहुत प्रभावित हुई और गीता बाली जी ने माला सिन्हा को अपने घर दुर्गा पूजा के अवसर पर आमंत्रित किया। माला सिन्हा जी ने दुर्गा पूजा के अवसर पर ही एक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं पर डायरेक्टर केदारनाथ शर्मा और गुरुदत्त जी भी आए, जिन्हें माला सिन्हा बहुत पसंद आई। और उसी के बाद से केदारनाथ शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें के लिए और गुरुदत्त जी ने प्यासा फिल्म के लिए माला सिन्हा को साइन कर लिया। उसके बाद माला सिन्हा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कौन है आप? गुलाब। उनकी सफलता के आगे उनके आलोचकों ने घुटने टेक दिए थे। आलम यह आ गया था कि बड़ी बड़ी अदाकाराओं को छोड़कर बड़े बड़े डायरेक्टर माला सिन्हा को साइन करना चाह रहे थे। तभी यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उनकी पहली पसंद बनी हीरोइन माला सिन्हा। फिल्म का नाम था धूल का फूल। फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। आलम यह था कि अशोक कुमार साहब से लेकर राजेश खन्ना साहब, अमिताभ जी से लेकर धर्मेंद्र जी तक सभी के साथ माला सिन्हा ने फिल्में की और सभी के सभी हिट साबित हुई। जिस चेहरे को लेकर डायरेक्टर ने उन्हें नापसंद कर दिया था, आज आलम वो था कि बड़े बड़े एक्टर उनकी खूबसूरती पर वो कह जाते थे जो लोग सुनकर आश्चर्यजनक हो जाते। मर्यादा फिल्म की शूटिंग चल रही थी। गाना था चुपके से दिल दे दे नहीं ते शोर मत कर। गाने के फिल्मांकन के लिए उन्हें बैकलेस चोली पहननी थी और जब माला सिन्हा सेट पर आई तो फिल्म के हीरो राजेश खन्ना जी के मुंह से एकाएक निकल गया, बिल्कुल पटाका लग रही हो तुम माला। 1968 का समय था जब जॉय मुखर्जी एक थ्रिलर फिल्म हमसाया बना रहे थे। उसके लिए उन्होंने उस जमाने की सबसे मशहूर और खूबसूरत दो हीरोइनों को लिया। एक थी माला सिन्हा, दूसरी थी शर्मिला टैगोर। वैसे हमसाया फिल्म साइन करने से पहले इन दोनों के बीच में अनबन की खबरें आती रहती थी। जहां दोनों ने एक साथ फिल्म में काम करने का फैसला कर लिया था, वहीं पूरी मीडिया की नजरें इन दोनों पर ही रहती थी। शूटिंग के दौरान हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों के बीच में कुछ टकरार हो गई। देखते ही देखते ये टकरार हाथापाई पर आ गई। जब तक जॉय मुखर्जी बीच भराव कराते तब तक शायद थोड़ी देर हो गई थी। माला सिन्हा इस अनबन से इतनी दुखी हुई कि शर्मिला टैगोर को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर भी जॉय मुखर्जी ने समझा बुझा कर शांत किया। उस समय ये खबर अखबारों में और मैगजीनों में आग की तरह फैल गई। माला सिन्हा की कामयाबी की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही उनकी शादी की भी। बॉलीवुड में अपने पांव जमाने के बाद माला सिन्हा शादी के बंधन में बन गई। पर यह किस्सा बेहद रोचक है। जैसा कि आपको पता है, माला सिन्हा ने बंगाली फिल्मों में काम किया, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने नेपाली फिल्मों में भी काम किया। 1966 में जब माला सिन्हा मारीगर फिल्म की शूटिंग करने काठमांडू गई तो उसी फिल्म के एक्टर चिदंबरम प्रसाद लोहानी से उसी दौरान उन्हें प्यार हो गया। फिर 16 मार्च साल 1968 को वे शादी के बंधन में बंध गई। माला सिन्हा की शादी बॉलीवुड में बेहद रोचक शादियों में गिनी जाती है। इसकी वजह थी माला सिन्हा जी की शादी में निभाई गई तरह तरह की रस्में। सबसे पहले तो ईसाई माला सिन्हा और हिंदू सीपी लोहानी सिविल मैरिज कानून के अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रार के सामने मैरिज रजिस्टर पर हस्ताक्षर करके हस्बैंड वाइफ बने। माला सिन्हा ईसाई थी, इसी वजह से उनके पिता की इच्छा थी कि उनकी बेटी माला की शादी गिरजाघर में कोई पादरी कराए। पिता की इच्छा रखने के लिए उन्होंने मुंबई के गिरजाघर में पूरे ईसाई धर्म के रीति रिवाज के साथ
दोबारा शादी की। माला सिन्हा की शादी दो बार होने के बाद लोहानी परिवार को संतुष्टि नहीं मिली और हिंदू होने की वजह से उन्होंने यह शर्त रखी कि जब तक बहू सात फेरे नहीं लेगी तब तक उनका गृह प्रवेश उनके घर में नहीं होगा। तो एक बार फिर तिवारा माला सिन्हा और सीपी लोहानी की शादी हिंदू धर्म के मुताबिक रचाई गई। माला सिन्हा के एक बेटी भी हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं। बेटी का नाम है प्रतिभा सिन्हा, जिन्होंने कुछ बड़ी बड़ी फिल्मों में काम भी किया, बाद में गुमनामी के अंधेरे में खो गई। अपनी बेटी की फिल्मों में असफलता ने उन्हें निराश कर दिया, इसलिए माला सिन्हा अब किसी सभा समारोह में नहीं आती जाती हैं। माला सिन्हा के बारे में एक बात बेहद खास है, वो कितनी भी बड़ी अभिनेत्री क्यों न बन गई थी मगर अपने पिता से वो हमेशा डरती थी। उनकी माँ उन्हें घरेलू लड़की ही मानती थी। माला सिन्हा बॉलीवुड के स्टार और स्टेटस को घर के बाहर ही छोड़कर आती। माला सिन्हा ने घर में अपना कोई तौर तरीका कभी नहीं बदला। अक्सर सिनेमा के गलियारों से खबर उठती कि नौकरों पर खर्चा बचाने के लिए माला अपना घर का काम खुद ही कर लेती हैं। खूब नाम और पैसा कमाने वाली माला सिन्हा के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक समय पर वैश्यावृत्ति भी की और इस बात का खुलासा उन्होंने खुद लिख कर किया। इस बात को पूरा जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ऐसा क्या वाक्या हुआ कि एक बेहतरीन अदाकारा को ये तक कबूलना पड़ गया? एक बार माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस दौरान उनकी बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए। उस जमाने में इतने रुपए बहुत मायने रखते थे। इनकम टैक्स के अधिकारी इस पैसे को जब्त करने की बात कर रहे थे। इस पैसे को बचाने के लिए अभिनेत्री माला सिन्हा ने लिख कर दिया था कि उन्होंने वैश्यावृत्ति करके ये पैसे कमाए हैं। कहा जाता है माला सिन्हा के पिता अल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वकील की यह सलाह अपनाई। इसके बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाहों से देखने लगे थे। ये वाक्या उन दिनों का है जब माला सिन्हा जी ने शादी नहीं की थी और इसी के बाद उन्होंने नेपाली एक्टर चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी रचाई। माला सिन्हा ने बॉलीवुड को 100 से भी अधिक हिट फिल्में दी, पर आपको इन सभी फिल्मों में माला सिन्हा की कौन सी फिल्म अभी भी याद है जो माला सिन्हा के नाम लेने पर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाती हो? या माला सिन्हा पर फिल्माया गया कौन सा ऐसा गाना जो आपका फेवरेट है? चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और अगर आपको माला सिन्हा जी पर बनाया हुआ ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक लाइक इस 10-12 मिनट के वीडियो में हमारे द्वारा की गई 20-25 घंटों की मेहनत को साकार करता है और हमें और प्रोत्साहन देता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।